बिफोर इस मैरिज अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरका मौलवी अबुल बरका एलियस एलियस हम कहते हैं सपोज नेम से कहते हैं सपोज नेम नेट नेम ये अल मारूफ अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरका अल मारूफ अबुल used to live in comfort comfort beta kehte hain relax ko kise kehte hain relax ko kehte hain peace itminan ko kehte hain even pump pump ko kehte hain sir jo pump bhi ja raha hai jisse hum shoi kehte hain numeshi kehte hain before his marriage maulvi abul barakat alias abul used to live in comfort even pump अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात अल मारूफ अबुल इत्मीनान और हत्ता के शान और शौकत वाली जिंदगी बसर किया करते थे ऑन हिज हेड ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन नोन फेमस को कहते हैं नोन किसे कहते हैं फेमस को कहते हैं एज मशहदी लुंगी because it originally basically buniyadi taur par came from Mashhad in Iran on his head he wore a light brown turban known as Mashhadi lungi because it originally came from Mashhad in Iran apne sar par wo ek light yani ek halke badami rang ki pagri bandha karte the जो कि मशहदी लुंगी के नाम से मशहूर थी क्योंकि ये असल में या क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ईरान के शहर मशहद से मंगवाई गई थी द गिल्टेड टिप गिल्टेड बेटा कहते हैं हम गोल्डन जुलर को कहते हैं और टिप हम कहते हैं चोटी को कॉर्नर को कहते हैं द गिल्टेड टिप ऑफ हिज कैप उनकी टोपी की सुनहरी चोटी यूज्ड टू पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबाउट द टर्बन पगड़ी के ऊपर या पगड़ी के ऊपर की जाने उनकी टोपी की सुनहरी चोटी आबुताब से चमकती थी He always carried with a walking stick. He always carried with a walking stick. वो हमेशा एक छड़ी के सहारे चलते थे अब हमने ग्रेट वर्ब में पढ़ा है कि अगर कहीं पर एडवर्ब ऑलवेज आ जाए तो बट हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस कैसे आएगा ऑलवेज आ जाए जनरली आ जाए रेयरली आ जाए यूजुअली आ जाए सेल्डम आ जाए ऑफन आ जाए तो बट हम कौन सा टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि ऑलवेज हैबिट को शो करता है लेकिन याद रखना हैबिट दो किस्म की होती है एक हैबिट प्रेजेंट में होती है और एक हैबिट क्या होती है पास्ट में तो ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑलवेज के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन अगर ऑलवेज यूज नहीं करेगा तो फिर वो यूज्ड टू यूज करेगा यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट हैबिट को शो करता है और ऑलवेज प्लस सेकंड फॉर्म भी किसको शो करता है पास्ट हैबिट को देखें कि ऑलवेज कैरी विद अ वॉकिंग स्टिक वो हमेशा एक छड़ी के सहारे चला करते थे अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर सॉर्ट में किसे कहते हैं असलान किसे कहते हैं सॉर्ट काइंड कहते हैं टाइप कहते हैं कैटेगरी को कहते हैं किस्म को कहते हैं आसान सेप्टर और सेप्टर पे हम कहते हैं स्टिक को कहते हैं किसे कहते हैं बेटा या रॉड को कहते हैं या डंडे को कहते हैं या छड़ी को कहते हैं या फिर लाठी को कहते हैं आसान सेप्टर जो एक किस्म की शाही छड़ी थी विद डेकोरेटिव फर्निश एडॉन सजी हुई थी बैंड्स ऑफ ब्रास ब्रास की बैंड से पीतल की पत्रियों के साथ एंड गिल्ट
गिल्ट बेटा कहते हैं गोल्डन कलर को और सुनहरी रंगन स्टिक। He always carried with a walking stick a sort of scepter with decorative bands of brass and gilt। वो हमेशा एक छड़ी के सहारे चला करते थे जो एक किस्म की शाही छड़ी थी जो पीतल की पत्रियों और सुनहरी रंगन से सजी हुई थी। For his hair, he used fragrant oil, fragrant scented, खुशबूदार perfume. For his hair, he used fragrant oil, अपने बालों में वो खुशबूदार तेल लगाया करते थे। It's sweet, pungent, pungent बट हम कहते हैं intense को, शिद्दत वाले को कहते हैं, हार्ड को कहते हैं, तेज को कहते हैं। Its sweet pungent smell lingered, lingered में फैल जाती थी, यानी stay, फैली रहती, spread होते थे चीज का फैल जाना। ये हम क्या करेंगे, स्टे करेंगे या रिमेन करेंगे, रहना। Its sweet pungent smell lingered in the village lanes, lanes बेटा कहते हैं, फर्स्ट प्लेन में पढ़ा था आपने, स्ट्रीट्स गलियों को। Whenever he walked through them, whenever he walked through them, for his hair he used fragrant oil, अपने बालों में वो खुशबूदार तेल लगाया करते थे। Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them. इसकी मीठी तेज खुशबू गांव की गलियों में फैल जाती थी जब कभी वो उनमें से गुजरते थे। नेक्स्ट जो बेटा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहां से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। डिस्क्राइब मौलवी अबुल्स अपीयरेंस, मौलवी अबुल की अपीयरेंस बयान करें, मौलवी अबुल की शक्ल सूरत या हुलिया बयान करें। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली, स्लाइटली बेटा कहते हैं लाइटली, स्लाइटली किसे कहते हैं, लाइटली। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आईज, बल्जिंग आईज इंक्रीजिंग बड़ी हुई, स्वेलिंग फैली हुई। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आईज, मौलवी अबुल की हल्की सी उभरी हुई आंखें थी। समझिए ना, मौलवी अबुल की हल्की सी उभरी हुई आंखें थी। On his fingers, he wore silver rings with large turquoise stones. अपनी उंगलियों में वो चांदी की अंगूठियां पहना करते थे जिसमें बड़े बड़े नगीने सजे होते थे। These rings came off बेटा phrasal verb है, इसका मतलब होता है remove, काम का मतलब आना, अगर साथ preposition off कर जाए तो meaning क्या बन जाएगा, remove करना, उतारना, take off। These rings came off his fingers five times a day before ablutions and yet no change was ever observed. Observed, seen. In the order, order तर्तीब को कहते हैं, arrangement को कहते हैं, in which they were worn. ये अंगूठियां वजू से पहले एक दिन में पांच मरतबा उनकी उंगलियों से उतरती थी, लेकिन जब वो दोबारा इनको पहनते तो उनकी तर्तीब में कभी कोई तब्दीली देखी नहीं गई थी। एवरी वीक आफ्टर हिज सर्मन, सर्मन बेटा हम कहते हैं एड्रेस को, किसे कहते हैं बेटा, एड्रेस को कहते हैं, खुतबे को कहते हैं, स्पीच को कहते हैं। एवरी वीक आफ्टर हिज सर्मन